हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, बट मैं कुछ अच्छी नहीं हूँ दोस्तों। और आज का ये जो ब्लॉग है, 3 दिन के बाद शूट कर रही हूँ। इससे पहले जो आपको 2-3 ब्लॉग मिले, वो 3 से 4 दिन पहले थे, जब मैं गुरुद्वारा साहिब गई थी। 2 तो वहीं के थे जब कल्याणी से मिली थी, नेक्स्ट वो था। और उसके बाद आने के बाद जो मैंने शूट किया था वो था। उसके बाद 3 दिन से मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। क्या बात है, बहुत ही भयानक वाली ट्रेजेडी हो गई है दोस्तों, तो मैं आपको शेयर करूंगी वीडियो के लास्ट में। अभी मैं सक्षम के एडमिशन के लिए आई हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैं टाल रही थी, मेरा मन बिल्कुल नहीं था और बहुत उदास, बहुत परेशान थी मैं। अभी मैं सक्षम के स्कूल आई हूँ एडमिशन के लिए। आप लोगों को पता ही है कि वो अभी बच्चों का, जिन बच्चों का मतलब जो छोटी क्लासेस में बच्चे थे नर्सरी केजी वाले, अभी वो फर्स्ट में आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए न्यू स्कूल चाहिए होता है, तो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकती ना, वो तो ज़रूरी काम है। एडमिशन हो जाएगा न्यू क्लास में फर्स्ट में, और ये सक्षम का कब मिल गया स्कूल से गिफ्ट में, और सक्षम का फॉर्म फिल करना है, सबमिट करना है। सक्षम का टेस्ट होगा एक, है ना, पढ़ाई करेगा सक्षम, पसीने आ गए मेरे, गर्मी हो रही है बस। तो और ये मैं अभी नर्सरी गई थी 4 दिन पहले ही, तब का वीडियो मैंने बीच में डाल दिया है। एक्चुअली मेरा जो तुलसी का गमला है, जो हस्बैंड ने मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, वो ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैंने सोचा था कि इसमें तुलसी माता का पौधा लगा लेती हूँ, है ना। लेकिन इस टाइम पे तुलसी नहीं होती कहीं पे भी, सारी सूखी हुई होती हैं, तुलसी माता सारी सूखी हुई हैं। नेबर्स के पास भी देखा, वहाँ भी नहीं मिली। फिर जो मेरी लैंडलॉर्ड आंटी है, उन्होंने बताया कि अभी मत लगाओ तुम इसको, नवरात्रे में लगाना तो वो अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं, ये तो पहले का ही वीडियो है, तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको, वीडियो कुछ भी मैंने ढंग से शूट नहीं करे, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हुआ, मन इतना ख़राब था। और आज ब्लॉग डालना था, तो ये सब वीडियो एडिट करके मैं आपके लिए डाली हूँ। और कभी कभी ना लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि इंसान जीते जी मर जाता है, बस वही वाली बात। 13 साल पहले जो हुआ था, आज फिर से वो घटना फिर से दोहरा दी। पता नहीं, कभी कभी ना किसी, मैंने एक चीज़ देखी है, जब तक लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन जब लाइफ में एक बार दुखों की शुरुआत हो जाती है ना, तो इंसान के ऊपर एक के बाद मुसीबतें पड़ती रहती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फिर स्कूल से आने के तुरंत बाद मैं बस लग गई अपनी किचन में, लेकिन मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मैं थक गई थी काफ़ी। एक तो पता है, जब आप परेशान हो और आपको भाग दौड़ करनी पड़े, दिमाग बड़ा ख़राब सा हो जाता है ना। तो बस आके मैंने सबसे पहले चाय रखी है बनने के लिए, और मैं चाय पीऊँगी पहले, हस्बैंड भी हैं, हस्बैंड जी के लिए भी बनाई है चाय, तो एक कप चाय पीऊँगी, फिर बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी। बच्चों को बिस्किट वगैरह दे दिए थे आके खाने के लिए, नाश्ता मैं हस्बैंड जी को करा के ले गई थी। कभी कभी ना जब चीज़ें उलट पुलट होती हैं, तो बहुत मुश्किल लगता है सब चीज़ों को संभालना। मैं आपको सच बताऊँ, मेरे अंदर झेलने की ताकत बिल्कुल नहीं बची दोस्तों। मेरे को ना अगर कोई भी न्यूज़ ऐसी मिल जाती है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना लाइफ में, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल जब से मैंने लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम झेली ना, इतनी मुश्किलें झेली, तब से मैं आपको क्या बताऊँ, बस अंदर से इंसान टूट जाता है। जीता तो है इंसान, लेकिन जीते जी मर जाता है, कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है इंसान की। और ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और ये जो एक्सीडेंट शब्द होता है ना, बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक। हम कभी न्यूज़पेपर में देखते हैं या फिर किसी टीवी में देखते हैं न्यूज़ में, तो वो सुन के भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें अपने साथ हो जाए ना, और उसमें खासकर किसी की डेथ हो जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों संभालना, है ना। तो बस मैं अपनी चाय ले ली, और जाने से पहले मैं ये दाल बॉईल करके रखी गई थी, और चावल अभी मैंने भिगो के रखे हैं। तो हस्बैंड और मैं पहले चाय पियेंगे, फिर कुछ काम करेंगे, क्योंकि फिर शरीर नहीं चलता मेरा भी, फिर मुझे ऐसा लगता है बस मैं बिस्तर पर टिक जाऊँ, और वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे पूरे परिवार को भी देखना होता है ना। बस तो हम चाय पी रहे हैं अभी, आप भी पी लीजिए दोस्तों चाय। और टाइम देखिए 1:30 बज रहा है, इस टाइम मैं अपना लंच तैयार भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी। श्रीजा सक्षम को भी मैंने बिस्किट खाने के लिए दे दिए थे, मैंने कहा बच्चों थोड़ी देर में खाना दूँगी। और ये दाल पता नहीं कैसी मैंने फ्राई करी है, जल्दी जल्दी बहुत लेट हो गया था। एक तरफ राइस बनने के लिए रख रही हूँ, तो दाल राइस और दही, बस यही है खाने में। और सक्षम खाना खा रहा है इधर, और ये है मेरा न्यू वीडियो जो कि मैंने अभी शूट किया है आज मॉर्निंग में। तो बस कई दिन हो गए थे, मैंने सोचा घर की क्लीनिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ। ये मैट वगैरह बहुत गंदे हो रहे थे, मन तो मेरा उदास है, चेहरे पे भी उदासी आपको दिख ही रही होगी, बिल्कुल
लेकिन पढ़े रहने से कुछ नहीं होता। मेरे को लगता है आप अपने कामों में लगे रहो ना तो ठीक रहता है। तो मैंने ये जो फ्लावर वगैरह थे अपने, ये सब धो दिए और ये जो थे ये सब वॉश कर दिए। कई दिनों से मैं टाल रही थी, मैंने सोचा अपना काम करती हूँ। मैंने देखा है जब आप परेशान हो, उदास हो ना, तो आप कामों में लगे रहो तो टाइम कट जाता है, और अगर खाली बैठ जाओ ना तो मन बहुत दुखी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। तो बस मैं अपने घर की क्लीनिंग करने में लग रही थी, बहुत डस्ट डस्ट सी हो रही थी इन पे। और देखो कुछ भी होता है ज़िंदगी में, आगे तो बढ़ना ही होता है ना। अब त्यौहार आ गए हैं तो त्यौहारों पे थोड़ी साफ़ सफाई सब लोग करते हैं अपने घर की, तो बस मैं भी करने में लग रही हूँ। और बस कल मैंने एक रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के सामने, वह साथ में वो कई दिन पुरानी थी, और पता नहीं मैं अब रेसिपी शेयर करूँगी या नहीं करूँगी। मेरा मन हुआ तो करूँगी और नहीं हुआ तो नहीं करूँगी। तो बस मैं वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मन अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या क्या शेयर करूँगी क्या नहीं करूँगी। यार डेली ब्लॉग तो दूँगी मैं आपको। पहले मैंने सोचा था कि होली की रेसिपी नंबर वन रेसिपी नंबर टू करके जो जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी, लेकिन अब पता नहीं क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। और दो चार दिन तो लगते हैं देखो दिमाग को अपने फिर से सेट करने में। और ये जो सर्व वाला पानी है इसी से मैं फिर ये बाहर वाला एरिया धो दूँगी। मेरे घर का बाहर वाला एरिया ओपन है तो यहाँ पर वॉशिंग वगैरह करने में अच्छा रहता है, अगर आप किसी चीज़ की साफ़ सफाई करो तो, है ना। अब ये लीव्स वगैरह धो दी मैंने, पत्तियाँ वगैरह धो दी, और ये सब काफ़ी दिन पहले ही सब वॉश हुआ था तो आज फिर से कर लिया मैंने, है ना। और आजकल पानी का काम करने में ठीक लगता है, पहले तो ऐसा होता था कि हाथ ठिठुर रहे हैं बिल्कुल, अब मौसम ठीक हो गया तो पानी का काम करना अच्छा लगता है। और सक्षम शूट कर रहा था, हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हेल्प कर देते हैं मेरी ये, हम दोनों मिलके ही कर लेते हैं काम। और जब ये अपने काम पे जाना होता है इनको तो फिर मैं जल्दी से इनको ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि काम का कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इनकी मार्केट वाली जॉब है, ऑफिस वाली जॉब नहीं है, तो उसी हिसाब से काम होता है। और उसके बाद में मैंने ये बनाया है उपमा, और हस्बैंड कह रहे थे कुछ लाइट सा बनाओ, तो मैंने सूजी का उपमा बनाया, काफ़ी लाइट होता है ये खाने में। दोस्तों अभी मैं बैठी हुई थी अपना काम खत्म करके, अभी नहा के तो आ गई हूँ मैं, और अभी बालों में कॉम भी नहीं है। मैंने सोचा ब्लॉग अपना एडिट करके डाल देती हूँ आपके लिए। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि कुछ ऐसी बात हो जाती है कभी कभी, देखो त्योहार आने वाले हैं और घर में कुछ ऐसा हो जाए तो कैसा लगता है यार। कल लाइव में मेरे साथ में जो लोग थे जो फ्रेंड्स उनको पता है कि कल मैं बहुत परेशान थी, और कल लाइव में मेरे कोई आ गया था, फिर उनको देख के मैंने लाइव बंद कर दी थी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है एक, उनकी मदर, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, जैसे सिस्टर्स का लव होता है सेम ऐसे, उनको आपने देखा भी है, मैं उनके घर भी गई हूँ, कई वीडियोस में आपने देखा है। और उनका छोटा भाई यानी कि मेरा भी ब्रदर ही समझो यार, और उसका एक्सीडेंट हो गया, पाँच छः दिन हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो तब से बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ करना। जब भी कोई ऐसे चला जाता है ना एक्सीडेंट में तो उसका चेहरा बिल्कुल आंखों के सामने घूमता रहता है, और यंग एज में मेरे ख्याल से उसकी एज ऐसी होगी 23-22 आई थिंक, या थोड़ा सा और बड़ा होगा, मतलब अभी उसकी मैरिज भी नहीं हुई थी और अभी उसकी शादी की तैयारियां होती। और अभी देखो तो होली आने वाली है, सब लोग अपने घर में होली की तैयारी करेंगे त्यौहार की, और मेरे दोस्त के यहाँ ऐसा हो गया तो बहुत मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी है आजकल। आज ये ब्लॉग 3 दिन बाद शूट कर रही हूँ, मैंने गुरुद्वारा साहिब वाले वीडियो शूट किए थे, वहीं से मैंने 2 वीडियो शूट कर लिए थे आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उसके बाद में एक ही वीडियो आया मेरा, और 3-4 दिन तक कुछ नहीं शूट करा मैंने, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं करा। और मेरी मम्मी का फोन आया अचानक से, उन्होंने कहा तुझे पता है ऐसे ऐसे हो गया, मैंने कहा नहीं मम्मी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, वो हॉस्पिटल में थी उस टाइम पे, और उसको सुन के बहुत रोना आया यार। कल मैंने आंटी से बात भी की, और पता दुख तो है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर यही सब चीजें बार बार रिपीट होना इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक्चुअली जो अंकल है ना, मैंने आपको शेयर किया था जो मुझे रेगुलर देखते हैं कि अंकल की जो डेथ हुई थी, उनकी भी एक्सीडेंट से डेथ हुई थी, उनके फादर की, तो मेरी शादी से नेक्स्ट डे वो कहीं जा रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी। और मुझे अपनी मेरी शादी के बाद, जैसे मैं नई नई दुल्हन थी जब अपने ससुराल में, तो मेरे ब्रदर वगैरह ने किसी ने मेरे को बताया नहीं था कि उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनसे मेरा बहुत, उनकी फैमिली से बहुत ज्यादा वाला प्यार है, तो सबने मेरे से छिपाया था। लेकिन जब मैं पहली बार पगफेरे के लिए अपने घर पे गई थी ना, तो किसी के मुंह से गलती से निकल गया था कि ऐसे से हो गया, तो मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत मुश्किल से सब लोगों ने मुझे रोका था उनके घर जाने के लिए। कहते हैं ना शादी के बाद एकदम से ऐसे नहीं जाना चाहिए, मम्मी ने कहा नेक्स्ट बार तू आएगी तब जाना,
और बस तो मैं यही सोच रही थी कि पहले अपने पति को ऐसे खो देना, और मेरी फ्रेंड के लिए भी कितना बड़ा सदमा है कि पहले फादर ऐसे चले गए और अब ब्रदर भी ऐसे चला गया। तो यार जिंदगी बुलबुले की तरह है, कोई भरोसा नहीं लाइफ का, है ना। जब भी ये चीजें, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को ऐसे खोया है, अपने भतीजे अपने भांजे को ऐसे खोया है, और उसके साथ में तीन तीन लोग थे हमारे यहाँ भी, एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, तो मेरे दिमाग में वो सब चीजें वापस घूम जाती हैं, और लगता है कि फिर वही उसी दोराहे पे आके खड़ी हो गई जिंदगी। पता नहीं क्यों, जिन जिनके साथ में इस तरह की ट्रेजेडी हो गई होती है ना, उनको पता होता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। पता है, एक जाने वाला इंसान तो चला जाता है दोस्तों, लेकिन जो पीछे उसके रिलेटिव, उसकी मदर फादर, उसके सिस्टर ब्रदर रह जाते हैं ना, वो जीते जी मर जाते हैं। सच बात है ये, मतलब सालों लग जाते हैं, आपको बिल्कुल होश नहीं रहता जिंदगी का, ना खाने का, ना पीने का, ना किसी चीज का पता ही नहीं चलता। मेरे को याद है जब मेरी दीदी की डेथ हुई थी, मुझे ये नहीं पता होता, मुझे क्या किसी भी फैमिली मेंबर को ये नहीं पता होता था आज क्या दिन है, क्या टाइम हो रहा है, ऐसे ही कहीं भी ऐसे पड़े रहते थे, रोते रहते थे, खाना नहीं खाते थे, कई 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 महीनों बाद तो जाके होश आता है कि हाँ क्या हो गया हमारे घर में, बस दिमाग में वही सब घूमता रहता है। तो बस वही वहां पे चल रहा होगा अभी। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगी अभी जल्दी से जल्दी वहां पे होके आऊंगी, आई थिंक होली के बाद ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे को हस्बैंड के टेस्ट वगैरह भी कराने हैं। और मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, कोई मेरे घर में या फिर कहीं पे कुछ ऐसा होता है तो मैं जा नहीं पाती हस्बैंड की बीमारी की वजह से, तो मैं बस अंदर अंदर और ज्यादा दुखी होती रहती हूँ। आप हो आओ ना उस जगह तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है फिर भी, है ना, मिलके सबसे। लेकिन ऐसे अंदर अंदर, ऐसे मेरे फादर की हुई थी तो मुझे सबने बोल दिया था कि ज्यादा इस तरह के माहौल में मत आओ तुम, थोड़ी देर के लिए मैं गई थी और वापिस आ गई थी, बस यही दोस्तों। तो मेरा मन थोड़ा सा दुखी है, और थोड़ा सा नहीं यार, बहुत दुखी है। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। एक एक्सीडेंट ने पूरा घर बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, है ना। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान जी कभी कभी अन्याय कर देते हैं यार, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या चला जाता, क्या बिगड़ जाता, एक घर खुशहाल हो जाता है ना, खुशियां बनी रहती है घर की। लेकिन वक्त को कभी कभी कुछ मंजूर नहीं होती खुशियां, वो पता नहीं वक्त क्यों ऐसा सितम सा डा देता है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।